तो हम अपनी फैमिली के लिए, हमारी सारी फैमिली है और हम उनके लिए, हम नहीं चाहते कि जो हमारे भाई हैं यहाँ पर वो किसी चीज़ की दिक्कत उठाएं और खाने से थोड़ा परेशान हो जाएं, इसीलिए हम अपना घर छोड़कर यहाँ बैठे। क्या मोदी सोच रहे हैं हमारे लिए? हमारे लिए तो मोदी कुछ नहीं है, हम नफरत करते हैं मोदी से, कंगना से भी नफरत करते हैं, डानी बानी से भी नफरत करते हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता। हमें तो इतना गुस्सा आ रहा ना, बहुत ज़्यादा, जब हमारे हक नहीं मिलेंगे तो। तो हम इनकी हेल्प के लिए आए हुए हैं, इनको खाना वाना बनाने के लिए, और हम बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमको सेवा कर रहे हैं तो हम अच्छा अच्छा मतलब सब कुछ है, बहुत बढ़िया है और कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। हम ठंड में भी आप यहाँ पर लगे हुए हैं? हाँ, हमें ठंड कोई ऐसी महसूस नहीं हो रही, ठंड तो वहाँ, हम तो बस सेवा किस में हैं और सारे लोग अपनी अपनी सेवा बाखूबी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हमारे बच्चे भी अपने घर पर वो अपने बना खाने पीने का इंतज़ाम वो आप कर ले रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों के लिए यहाँ आए हैं, उनके राशन पानी की मतलब खाना बनाने के लिए। घर वालों के साथ इनको जाने दो। हाँ, हम आए अपने हक लेने, हक भी लेने आए हैं, सेवा भी करने आए हैं। हमारा हक नहीं है, मिलेगा हम जाएंगे नहीं इतनी देर। हमारा हक, हमारे को फसलों का रेट नहीं मिल रहा, पूरा धान का रेट बहुत कम मिला गया। अब आ गए हमारी जमीन भी, हमारी जमीन भी जब्त करने को कह रहे हैं मोदी, जमीन जब्त कर लेगा, हमें रेट नहीं दे रहे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे, कहाँ से बच्चे पढ़ा के आगे करेंगे, हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, बच्चे ऐसे रह जाएंगे, हम मजदूरी करेंगे, हम मजदूर बना देगा मोदी। क्या मोदी सोच रहे हैं हमारे लिए? हमारे लिए तो मोदी कुछ नहीं है, हम नफरत करते हैं मोदी से, कंगना से भी नफरत करते हैं, डानी बानी से भी नफरत करते हैं, हमें कोई अच्छा नहीं लगता। हमें तो इतना गुस्सा आ रहा ना, बहुत ज़्यादा, जब हमारे हक नहीं मिलेंगे तो। हाँ जी, और हम किसी का हक सरकार से, हम उनको से कुछ मांग तो नहीं रहे, हाँ सिर्फ हमारे किसान भाई, हम अपना ही हक मांग रहे हैं। तो पता नहीं क्या मोदी जी को कितनी प्रॉब्लम क्यों है जो उनका हक देने से, इसने इतना तो होना नहीं चाहिए, इतना टाइम लग गया, उनको सोचना चाहिए, वो हम देशवासी हैं उनके, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, फिर भी क्यों परेशान करने में लगे हैं। इसलिए हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, किसान भाई सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तो मोदी जी को चाहिए तुरंत मतलब निर्णय इसका लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी बतानी क्यों इतना टाइम लग रहा है, इनको शायद नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, किसान भाई सारे हमारे हिंदुस्तानी हैं और हमको सबको मिलजुल के एक दूसरे की परेशानी समझ के आगे बढ़ना चाहिए और तभी हमारा देश भारत ये सब तरक्की पर आएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर अपने देश को खुशहाल रखना है तो हम फैमिली की तरह एक दूसरे की परेशानी समझ के चलना है, क्योंकि हमारा फैमिली में अगर एक बंदा कोई परेशान है तो हम सबको महसूस होना चाहिए कि हम परेशान हैं। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि इतना बंदा हमारा किसान भाई जो पूरी दुनिया को पेट भर के खिलाता है, हम उसको परेशान कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मोदी जी, जो पहले हो गया वो हो जा गया, कोई बात नहीं, आगे के लिए, आने वाले नए साल के लिए आप जो भी फैसला आपने लिया है आप प्लीज़ वापस ले लीजिए और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली का मौसम हो जाना चाहिए। बस मैं अपनी बात यहीं तक रहना चाहती हूँ कि उनको आगे हिंदुस्तान की अगर तरक्की, बहुत तरक्की चाहिए, तो अपने वो कानून, जो सरकार, जो हम पूरे हिंदुस्तान चाहता है खुश रहने के लिए, उनको वैसा मान लेना चाहिए। और बस लेटेस्ट अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रिप्ट पास और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। और हाँ, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं।